पूरे भारत में कोरोना की महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। कोई बेड के लिए परेशान है, कोई कोरोना की दवा के लिए परेशान है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर को न मिलने की वजह से दम तोड़ रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आए रोज 3000 से ज्यादा केसेस और 30 से ज्यादा मौतें होती है। हाँ, इन गरीब और लाचार लोगों के लिए कोई नहीं, इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। लॉकडाउन लग जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे इधर। इनका सबसे बड़ा जुर्म इनकी लाचारी और गरीबी है। बेघर, लाचार, ये मजदूर, ये वो लोग हैं जिन्हें समाज भूल चुका है और सरकार के पास इन्हें देखने का वक्त नहीं। भारत के मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए ये लोग बंजारों की तरह जहां खाली जगह मिले वही अपना डेरा जमा लेते हैं। सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसके लिए हम तो थोड़ा दवाई कर लेते हैं, दवाई कर लेते हैं, गर्म पानी यूज करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, उसमें ठीक ही हो जाते हैं। हम गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया था अभी तक, और आएगा भी नहीं, पता ही नहीं लोगों को कि यहाँ कोई है गरीब है बेचारे की क्या ऐसी ऐसी हाल में पड़े है। तो खुद कमाते खुद खा लेते तो क्या है, दूसरे कौन आएगा हमारे पास। कोरोना प्रोटोकॉल जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हैंड वॉशिंग की सारी एसओपीज यहां नाकाम नजर आती है। ये लोग कश्मीर में हाईवे के इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे पौंपोर, नौगाम और एचएमटी हो। लेकिन यहां पे आ जाने चाहिए, कोई भी सरकार तरफ से कोई आए तो हमारे को कोरोना टेस्ट करने का मौका मिल जाए। इनके बच्चे, औरतें और मर्द भी अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स पर नजर आएंगे, कोई गाड़ी का शीशा साफ करते हुए या कोई भीख मांगते हुए या कोई पेन बेचते हुए। मायूसी से निढाल ये मजदूर सरकार से एक छोटी सी उम्मीद बंधे हुए हैं। जहाँ कोई नहीं आया टेस्ट वगैरह, कोई किसी नहीं किया, जहाँ भी वो पार्टी आए, इतना फैमिली है कम से कम 30-40 घर है यहाँ, इसके भी कोई लोग नहीं आए जी, हम ना भी टेस्ट करे आज, हमें कोई सहूलत हो जाए। यहाँ की औरतें खुद ही मरीज और खुद ही वैद भी। नॉर्मल सर्दी है, सर्दी खांसी, थोड़ा दवाई कर लेते बच्चे ठीक हो जाता, गर्म पानी करके पीते रहते हैं, चाय में चाय अदरक उदरक मिला देते हैं तो ठीक ही रहते। क्या सरकार इन जैसे नन्हे बच्चों की सेहत और जिंदगी बचाने के लिए कुछ करना चाहती है? नाम दिलजाना, हम जम्मू से आए, हम कपड़े भेज दिया ना, हमको कोरोना का टेस्ट करने के लिए ना आए, हम लोग हम में देते हैं। मेरा नाम जावेद है, हम जम्मू से आए हैं और इधर हम कोरोना वायरस में और काम करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, हम नोगा में रहते हैं, कोई टेस्ट भी नहीं हमें करता है, दवाई भी नहीं दिया किसी ने अभी तक। कोरोना वायरस के रोजाना बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 29 अप्रैल शाम से मंडे सुबह तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है। भूखे मर जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा तो बाल बच्चे लेके कहाँ कहाँ भागेंगे, एक टाइम का खा रहे खाना। यूं तो सरकार बहुत दावे करती है लेकिन शायद ये खेमों में रहने वाले लोग और इनके सेहत सरकार के नक्शे और प्रायोरिटी में नहीं है। मोहम्मद मुकरम फॉर स्टेट टाइम्स फ्रॉम श्रीनगर।